नमस्कार दोस्तों, मैं रामलीन विश्वकर्मा। आज का जो हमारा आईसी टीम टॉपिक है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्या रोल होता है आपके जीवन में, इसको हम जानेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर RSP और इंस्टाग्राम और साथ ही आप एक्स ट्विटर और यहाँ पर FB को ज्वाइन करना चाहते हो तो RSVT सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर आपका MCQ करा रहा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना, यहाँ पर आपको इस समय बोध आपको यूनिट वाइज देखने को मिल जाएगा। रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो चुका है। यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन है आपको मिनट देखने को मिलेगा, जैसे आप UGC नेट पेपर में देते हो, तो इससे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। साथ ही जो पढ़ाता हूँ यहाँ पर आपको PDF भी डाल देता हूँ, तो आप ये भी आप इसका भी लाभ उठा सकते हो। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखो, अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार में पढ़ोगे ना, इसमें तीन भाग आते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, जनरली बता देता हूँ, ये हार्डवेयर से संपर्क साधता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही इर्द गिर्द काम करता है, इसमें आपको मैनेज करने का काम करेगा। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को एडिट कर पाते हैं या किसी चीज़ को सर्च कर पाते हैं, लाइक क्रोम हो गया। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं आप अपने जीवन में यूज करते होंगे, तो आगे हम जानेंगे उसके बारे में। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, कह लो एक तरह से यह प्रोग्रामिंग है, क्योंकि ये हार्डवेयर से सीधे संपर्क साधता है। और यहाँ देखा जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, कंपाइलर होता है, एक तरह से इनका रोल बहुत बड़ा होता है। ये इसके मुख्य भाग होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा विंडो रन कर रहा है, कंपाइलर जो एक अनुवादक होता है, जो भी मशीन को समझाता है, हम कोडिंग करते हैं ये कंपाइलर ही करता है। असेंबलर इंटरप्रेटर पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो इसीलिए आपके लिए अगर ये ना समझ में आए तो पिछला वीडियो देख लो कि कंपाइलर का क्या रोल होता है या अनुवादक होता है। जो भी हम भाषा प्रोग्रामिंग करते हैं, कंपाइलर पूरा उसको ट्रांसलेट कर देता है मशीनी भाषा में। मशीनी भाषा बिट में हमेशा चलती है। बिट जो होता है 0 से 1 के बीच में कार्य करता है, सबसे छोटी कंप्यूटर की इकाई बिट होती है। आपको ये भी पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब इसके निम्न कार्य होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है, तो ये जड़ के रूप में काम करता है। अगर ये जड़ मजबूत है, अच्छा से कार्य कर रहा है, तो आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बेहतर तरीके से कार्य कर पाएगा। दूसरा, ये कंप्यूटर हार्डवेयर का अधिकतम उपयोग भी निश्चित करता है। आप कंप्यूटर में हार्डवेयर का उपयोग अच्छे से कर पाओ, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में बेहतर कोडिंग की जाती है, और उसके कारण आप एप्लीकेशन को बेहतर से यूज भी कर पाते हो। तीसरा यहाँ पॉइंट है, ये पेरीफेरल उपकरणों का नियंत्रण एवं उनके बीच में समन्वय स्थापित करता है। तो देखो, जो सिस्टम है यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो हमेशा समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है कि एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का अच्छे से प्रयोग किया जा सके। अब देखो, सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है इसके दो प्रकार होते हैं। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम अपने लैपटॉप में विंडो के रूप में यूज करते हैं, जिस पर पूरा हमारा जो है हार्डवेयर एक तरह से मान लो रन करता है। दूसरा यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखो, ये तो हम हार्डवेयर संपर्क साधेंगे, अगर ये काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर का सबसे बड़ा रोल होता है। असेंबलर और इंटरप्रेटर और कंपाइलर, जो हम चीज़ें उसमें कोडिंग डाल रहे हैं वो कंप्यूटर कैसे समझेगा, तो ये इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर जो है अनुवाद कर देते हैं, और इसी के माध्यम से जो हमारा हार्डवेयर समझ पाता है कि आप क्या करवाना चाहते हो। अब यहाँ पर देखो, कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि हम इसमें कार्य करते हैं, जैसे डॉस हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडो हो गया, लिनक्स हो गया। ये सारे सारे क्या है? देखो, विंडो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी यहाँ पर है। यहाँ पर देखो, ये ज़्यादा सॉफ्टवेयर के रूप में यूज होता है, ये नॉर्मली अपने कार्य में, अपने दिनचर्या में अपना विंडो यूज करते हो। दूसरा हमारा जो है सॉफ्टवेयर के प्रकार में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये जो है कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता है, जो डिजाइन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे डिस्क डिफ्रेगमेंटर, और यहाँ पर सिस्टम प्रोफाइलर्स, या वायरस स्कैनर, एंटीवायरस, डिस्क चेकर और डिस्क क्लीनर, आप इसका यूज किए होगे कुछ ना कुछ इसमें से। वायरस क्लीनर या एंटीवायरस का आपने यूज जरूर किया होगा अपने लाइफ में। यही है जो है आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करते हैं, व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो आपका कार्य नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है क्रैश हो जाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तीसरा और लास्ट इसमें आता है, जो है आपके लाइफ में क्या कार्य करता है, जैसे वेतन की गणना करना, लेन देन, खाते की स्टॉक नियंत्रण, बिक्री का हिसाब लगाना, ये सारे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। आप जैसे कि क्रोम का यूज किए होगे, जैसे कि आप ओपेरा मिनी का यूज किए होगे, अदर भी सॉफ्टवेयर का यूज किया होगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपने यूज किया होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप एक्सेल पाए होंगे, पावर पॉइंट पाए होंगे, MS वर्ड पाए होंगे, बहुत सारे उसमें आ जाते हैं एप्लीकेशन। ये सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनको याद रखिएगा।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कंप्यूटर वायरस, ये क्या होता है चलो इसे जानते हैं। देखो सभी कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम मुख्यतः असेंबलिंग भाषा या उचित भाषा पर बनाए गए होते हैं, जैसे कि पास्कल या सी, इसी भाषा में ये होते हैं, लिखे होते हैं जो भी आपके कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम होते हैं। ये मुख्य तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि इसमें आता है बूट सेक्टर वायरस, फिर से फाइल वायरस और अन्य वायरस। देखो बूट सेक्टर वायरस जो होते हैं जब कंप्यूटर बूट कराते उस समय की बात है, फिर से फाइल जो वायरस की बात होती है आपके फाइल में कोई वायरस चला जाता है, अन्य वायरस भी अन्य तरीके से आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं। तो ये कंप्यूटर वायरस के तीन प्रकार है, आप लोग याद रखिएगा। आप कंप्यूटर वायरस है तो कंप्यूटर वायरस को उपचार करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसे आएंगे एप्लीकेशन, तो चलिए इसे जानते हैं। देखो इसके लिए एंटीवायरस आता है, इसमें जैसे कि नाम बता देता हूँ, नॉर्टन है, एबीजी आप यूज किए होंगे, एबीजी अवीरा फिर से है, फिर से आपका मैकफी है, ये सारे सारे आप किसी ना किसी विंडो में देखे होंगे या आप पेड लिए होंगे पैसे पर। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है कंप्यूटर नेटवर्क, चलो इसको जानते हैं। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला आता है इसमें लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लैन कहते हैं, ये डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखिएगा। अब चलो इसे जानते हैं, एक छोटे और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, मतलब एक छोटा सा एरिया लेगा या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, विश्वविद्यालय या फैक्ट्री में इसको हम यूज करते हैं लैंड नेटवर्क का, ये याद रखिएगा। कुछ किलोमीटर तक इसका जो होता है अगर देखोगे तो जाल होता है, मतलब कुछ दायरे में ही इस नेटवर्क का रेंज होता है, उससे बाहर ये नहीं जा पाएगा। लैन या लोकल एरिया नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक तारों की मदद से जोड़े गए होते हैं जिसे हम कहते हैं इथरनेट तकनीक, और दूसरा होता है जो वायरलेस तकनीक से जुड़े होते हैं जिसे हम वाईफाई तकनीक कहते हैं। तो दूसरा हमारा जो आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका जो है इंग्लिश का जो है यहाँ पर हिंदी में लिख दिया हूँ, इसको शॉर्ट में मैन कहते हैं। अब ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ये किसी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जैसे किसी शहर में स्थित विभिन्न भवनों आदि में ये यूज होता है। इन्हें शहर का अगर कनेक्शन देना है या भवनों में बड़े बड़े भवन उसमें कनेक्शन देना है तो हम मैन जो है इसका यूज करते हैं। तीसरा यहाँ पर आता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क इसे हम इंग्लिश में वैन कहते हैं, याद रखिएगा ये फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ। ये किसी देश या महाद्वीप विश्व भर में अगर जाल बिछाना है नेटवर्क का, अगर चाहते हो पूरे विश्व में नेटवर्क कार्य करे तो हम वैन का यूज करते हैं। पूरे आपके एरिया में चाहे पूरे विश्व में जो नेटवर्क आ रहा है वैन के ही द्वारा आता है, इसकी गति कम होती है क्योंकि ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसमें त्रुटियां बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये केबल के द्वारा बिछाया गया एक जाल है, पूरे समुद्र में इसे बिछाया जाता है, इसके द्वारा हर एक महाद्वीप को जोड़ा गया है और इसको लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। याद रखिएगा जो इंटरनेट का हम यूज करते हैं ये वैन का उदाहरण, ये आप लोग याद रखिएगा। आज अपने घर बैठे जो इंटरनेट सर्च करते हो वैन के कारण ही चल रहा है, अगर वैन बंद हो जाए वाइड एरिया नेटवर्क बंद कर दिया जाए तो आपके यहाँ इंटरनेट नहीं आएगा। चौथा इसमें आता है पैन, जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ये नेटवर्क जो है एक व्यक्ति विशेष की आवश्यकता के अनुरूप होता है, तो याद रखिएगा। इसमें सीक्वेंस भी पूछता है, ये देखो ये पर्सनल एक पर्सनल व्यक्ति के लिए होता है पैन जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, तो ये मान लो छोटे में सबसे छोटा हो जाएगा। फिर से यहाँ पर जो है पांचवा आता है कैंपस एरिया नेटवर्क, इसे हम कैन कहते हैं, फुल फॉर्म इन सब का याद रखना, मैं लिख भी दिया हूँ, ये बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर एकाधिक मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क का सीमित भौगोलिक क्षेत्र में नेटवर्क, ये जो है वैन और मैन से छोटा होता है, जैसे कि ऊपर अभी हम आपको बताए हैं, तो पहला पर आएगा तुम्हारा जो यहाँ पर चौथा पढ़ाया हूँ। देखो ये जो है पर्सनल एरिया पेन आएगा पहला पर, सिक्वेंस में पेन पहला पर आएगा, यहाँ पर लैन आ जाएगा और तीसरा पर यहाँ आ जाएगा आपका, तीसरा पर आ जाएगा यहाँ पर देखोगे कैन आ जाएगा और चौथा पर आएगा मैन और पांचवा पर वैन आएगा। ये देखो एक सीक्वेंस में है, अगर देखा जाए तो ये एक आरोही क्रम है, तो यहाँ पर आप देखोगे मैन हो गया और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वैन, तो ये आरोही क्रम नहीं होगा, ये आरोही क्रम होगा क्योंकि हम छोटे से बड़े को जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं आरोही क्रम कहते हैं। तो ये हो गया सबसे छोटा, ये पर्सनली जो होता है, दो चार लोगों को अगर जोड़ना है तो लैन का यूज करेंगे, एक विश्वविद्यालय को, मल्टीपल एरिया में हमको लोकल एरिया में काम करना मल्टीपल नेटवर्क तो कैन का यूज करते हैं। मैन का यूज हम तब करते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ, जब हमको विस्तृत क्षेत्र में किसी देना हो, और वैन का यूज पूरे विश्व को जोड़ना हो तब करते हैं। टॉपिक आता है बेतार तकनीक, जिसे हम बेतार का मतलब क्या है, जिसमें कोई तार ना हो, इसे वायरलेस टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो जो तार तकनीक होती है ना बहुत खर्चीला होता है, साथ ही इसमें देखोगे जो रख रखाव की समस्या बहुत ज्यादा होती है, बार बार खराब होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं वायरलेस तकनीक का बेतार तकनीक का प्रयोग करते हैं।
अब चलो जो है बेताब तकनीक में कुछ इसके आते हैं भाग, इसको जानते हैं। वाई मैक्स के बारे में जानिएगा, ये एक लंबी दूरी के लिए बेतार की सहायता से डेटा का संचरण संभव बनाता है। तो लंबी दूरी करना है तो वाई मैक्स का हम यूज करते हैं। फिर से यहाँ पर आता है वायरलेस लोकल लूप आता है, इसको शॉर्ट में हम WLL कहते हैं, वायरलेस लोकल लूप, ये नाम याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछा था। ये स्थानीय बेतार तकनीक है, मतलब ये किसी लोकल एरिया में यूज करना है स्थान पर, तो इसका यूज हम करते हैं। ये बड़ी बैंडविड्थ तथा उच्च गति के डेटा के संचरण के साथ टेलीफोन की सुविधा भी प्रदान करती है, तो वायरलेस लोकल लूप इसे कहा जाता है। तीसरा यहाँ पर देखोगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसे हम VPN कहते हैं, तो इसका यूज हम कब करते हैं, मान लो किसी देश में गए हैं जहाँ पर आपका जो है IP एड्रेस काम नहीं करता, तो अपने ही देश से दूसरे देश का IP एड्रेस आप क्या करते हो, चेंज कर देते हो, तो VPN का हम यूज करते हैं। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जो आपको इंटरनेट चलाने में मदद करती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है नेटवर्क टोपोलॉजी, मतलब इसमें नेटवर्क जो है कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कैसे आपको डाटा का जो है ट्रांसफर करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अब इसमें देखो विभिन्न नोड या टर्मिनल्स आते हैं, ये जो है नोड आपस में जुड़ के आपके पास डाटा जल्दी ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। इसके विभिन्न रूप होते हैं, स्टार जो है बस है, रिंग है, ट्री है। अब जैसे कि यहाँ स्टार टोपोलॉजी जो दिया गया, इसमें एक फिगर जो दिया है इसको समझो, ये है होस्ट नोड जो होता है या केंद्रीय हब का दर्जा देता है एक एक नोड। अब देखो स्टार टोपोलॉजी यहाँ पर है, मान लो ये सी एक नेटवर्क एरिया है, यहाँ पर डी नेटवर्क एरिया है, ये एक यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर होस्ट कंप्यूटर या केंद्रीय हब जो होगा, इन सब से ये डाटा आदान प्रदान करेंगे और आपको ये डाटा देंगे, तो इनका यही काम होता है कि फास्ट ये करते हैं किसी भी डाटा को ट्रांसफर में, इनका काम यही होता है। नेक्स्ट हमारा बस्ट टोपोलॉजी है, जिसे हम ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है, ये सारे नोड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखो कि ये ट्रांसमिशन लाइन है और इसी के सहारे सारे जो है आपके लोकल एरिया के जितने भी नेटवर्क है जुड़े होते हैं और यहाँ से एक दूसरे से डाटा आदान प्रदान करते हैं। तीसरा इसमें आता है रिंग टोपोलॉजी, ये जो है आपका सभी नोड्स एक दूसरे से रिंग या लूप में जुड़े होते हैं। ये बस ट्रोपोलॉजी के दो अंतः बिंदु को जोड़ने से रिंग ट्रोपोलॉजी का निर्माण होता है। जैसे देखो यहाँ रिंग ट्रोपोलॉजी है, अब यहाँ पर देखो एक नोड यहाँ जुड़ा, फिर से एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। अब देखो अंत बिंदु ये हो गया, अब मान लो ये हो गया, इन दोनों को मान लो सी और डी है, इन दोनों को हम अगर इसे जोड़ देंगे, इसी को हम कहेंगे यहाँ पर रिंग ट्रोपोलॉजी। तो रिंग ट्रोपोलॉजी में क्या हो गया, मान लो यहाँ पर जो है हमारा अंतत बिंदु था ये बस का ये अंतत बिंदु था, ये हो गया कि ये हो गया, मान लो इससे ये क्या है डी जुड़ा हुआ था यहाँ से और यहाँ से बी जुड़ा हुआ, तो अब इसको हम ऐसे मिला देंगे जब, इसी को हम कहेंगे रिंग टोपोलॉजी। तो दो अंत बिंदुओं को जोड़ने से, जो बस की दो अंत बिंदु होते हैं उसे जोड़ने से इनका निर्माण होता है। ट्री टोपोलॉजी, ये मुख्यतः बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का मिश्रण होता है। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पर इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क, इसमें विभिन्न प्रकार के नेटवर्क होते हैं, जैसे कि इंटरनेट में देखो लैन मैन वैन, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ ये इंटरनेट का एग्जाम्पल है। इसमें दूसरा पॉइंट होता है, ये मिलकर एक नेटवर्क तैयार किया जाता है, इन सबको मिलाकर हम क्या करते हैं कि नेटवर्क तैयार करते हैं। इंटरनेट का लाभ कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, सही बात है, इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता है। दूसरा है इंट्रानेट, इंटरनेट का उपयोग छोटे पैमाने पर किया जाता है, इंटरनेट मुख्य रूप से लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा जो है इंट्रानेट जो है लैन से मिलकर, लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर बनता है। इंटरनेट का लाभ केवल उसका स्वामित्व संगठन या कंपनी के कर्मचारी उठा सकते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, स्पेशली हमें आपको बताया हूँ शुरू में किसी विश्वविद्यालय में लगवाना है तो लोकल एरिया नेटवर्क हम लगाते हैं, तो उस विश्वविद्यालय के लोग उसका सेवन कर पाएंगे। जैसे मान लो विश्वविद्यालय में लोकल एरिया नेटवर्क लग गया तो वहाँ के ही लोग उसका यूज कर पाएंगे, अन्य कोई नहीं, इसीलिए इसका जो है स्वामी या संगठन या कंपनी होता है। लास्ट इसमें पॉइंट आता है हमारा एक्स्ट्रानेट, इसकी सहायता से किसी संस्था का इंट्रानेट और दूसरी संस्था के इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। एक्स्ट्रानेट का प्रयोग करके ये जो इंटरनेट है हम किसी विश्वविद्यालय में यूज कर रहे हैं, हम दूसरे विश्वविद्यालय के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर चाहते हो एक विश्वविद्यालय ए से बी में हम इंटरनेट का यूज करें जो वहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर, यहाँ बीच में क्या लगा सकते हैं, एक्स्ट्रानेट लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा नेट ज्यों लगेगा ए का बी में और बी का ए में, हम जो है
इंटरनेट का यूज कर पाएंगे, तो वो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक्सट्रानेट का। अब चलो इंटरनेट का इतिहास जान लेते हैं। पहला पॉइंट है 1969 में तो अपरा ने अपरा नेट की शुरुआत की थी, ये याद रखना। चार विश्वविद्यालय इसमें थे, ये कब हुआ था 1969 में, कहाँ की ये आपकी रिसर्च एजेंसी थी, ये थी अमेरिका की। दूसरा यहाँ पर आता है आपका 1972 इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल की शुरुआत कब हुई थी, 1972 में। तीसरा यहाँ पर आता है 1973 ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे टीसीपी और आईपी, आईपी और इसे टीसीपी कहा जाता है, ये अभी आगे मैं इसका फुल फॉर्म बताऊंगा। 1983 में अपरानेट के मिलिट्री हिस्से को मिलनेट में डाल दिया गया था, ये याद रखिएगा। 1986 यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं क्या, NSF, और साथ ही NSFNET लॉन्च किया गया। यह पहला बड़े पैमाने का नेटवर्क था जिससे में इंटरनेट तकनीक का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 1988 में फिनलैंड के जाक्रो ओके रिनेने ने इंटरनेट चैटिंग का विकास किया था। फिर से आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट, 1993 में मोजेक नामक नेविगेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था। फिर से 1994 में नेटस्केप कम्युनिकेशन, 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अपने ब्राउजर बाजार में क्या किए थे, उतारे थे। माइक्रोसॉफ्ट बाजार में अपना ब्राउजर कब लाया, 1995 में। नेटस्केप कम्युनिकेशन भी अपना ब्राउजर 1994 में लाया था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, 1995 में प्रारंभिक व्यावसायिक साइट को इंटरनेट पर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इसमें पॉइंट, 1996 में अगर देखा जाए आते आते दुनिया भर में इंटरनेट को काफी लोकप्रियता हासिल हुई थी, और इंटरनेट जो उपयोग करता है ये 4.5 करोड़ हो गए थे। तो ये आपको याद रखना है, एक डेट है जिसमें 4.5 करोड़ मेंशन किया गया इंटरनेट के उपयोगकर्ता यहाँ पर हो गए थे। 1999 ई कॉमर्स की अवधारणा अत्यंत तेजी से फैली, तो इंटरनेट के द्वारा खरीद जो है लोकप्रिय हो गया था, तो 1999 में बहुत तेज गति से ये इसका डेवलपमेंट हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पॉइंट है, 2003 में न्यूजीलैंड में NIUE ने इंटरनेट के माध्यम से देशव्यापी वायरलेस एक्सेस प्रणाली का आरंभ किया था। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत में इंटरनेट 80 के दशक में आया था, और जब एरनेट को सरकार, जिसे एरनेट है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क को सरकार, इलेक्ट्रॉनिक विभाग और संयुक्त राष्ट्र उन्नति कार्यक्रम UNDP की ओर से प्रोत्साहन मिला, तब जाके 1980 की या कह लो 80 के दशक में हमको भारत में इंटरनेट देखने को मिला था। सामान्य उपयोग के लिए अगर देखा जाए तो इंटरनेट 15 अगस्त 1995 से उपलब्ध हुआ, जब विदेश संचार निगम जिसे हम BSNL कहते हैं ये सर्विस में आया था। अब देखो जैसे कि बोला हूँ कि मैं आपको कुछ बताऊँगा इंपॉर्टेंट, जैसे TSP IP का फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है इसे जानते हैं। देखो TSP का जो फुल फॉर्म होता है ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये याद रखिएगा। अब TSP क्या है, ये मूलतः सूचना को आदान प्रदान के लिए छोटे छोटे पैकेट में विभाजित करके उनके पुनः संयोजन रिसेंबल जिसे कहा जाता है, और सुरक्षित पहुंचाने के नियम। अब यहाँ पर फिर से आता है TSP के बाद से IP, ये क्या है, एक गंतव्य स्थान का पता लिखने की औपचारिक को पूरा करता है। मान लो कोई भी हम लोकेशन है उसको IP के द्वारा लिखा जाता है ताकि वो एक अंक में हो। आई हमेशा जो है सभी भाग 0 से लेकर 255 अंक के बीच में ही होते हैं, याद रखिएगा। उदाहरण के लिए IP कैसे होता है, 192, देखो यहाँ पर 192 हो गया, 255 से ऊपर नहीं हो सकता है, 168, 210, 15, तो 4 अंक मैं आपको जब पढ़ा रहा था तभी बताया हूँ, तो ये 4 अंक इसके होते हैं। ये दो कंप्यूटर या वेबसाइट का IP पता एक जैसा नहीं हो सकता है, जैसे मान लो एक कंप्यूटर है एक यहाँ कंप्यूटर है, इन दोनों का IP एड्रेस अलग अलग होगा, इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा, तो ये आपको याद रखना। अन्य महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स में कुछ फुल फॉर्म है आपको याद रखना, जैसे HTTP यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना। वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के मध्य संचार को स्थापित करने हैं तो इसको किया जाता है। तो मान लो कोई वेब ब्राउजर यूज कर, जैसे मान लो क्रोम यूज कर रहे हो, आप क्रोम के माध्यम से किसी वेब सर्वर पर जा रहे हो, तो हम इसके मध्य कैसे जा सकते हैं, तो HTTP का प्रयोग करके हम जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ईमेल सर्वर और उपयोगकर्ता के मध्य संचार है। तो ईमेल से जो हम मैसेज करते हैं और किसी के पास भेजते हैं, तो इसमें IMAP का यूज करते हैं, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। अगर ये नहीं होगा तो आप ईमेल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर SSL सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, इंटरनेट के द्वारा निजी दस्तावेज को संप्रेषित करने के लिए ये होता है।
इन सब का आप फुल फॉर्म जरूरी याद रखना। देखो यहाँ पर नेक्स्ट है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये डेटा फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजता है। नेक्स्ट हमारा है ITFTP, अब इसका फुल फॉर्म दे दिया हूँ, ये आप लोग याद रखिएगा। नेटवर्क यंत्रों के बीच डेटा फाइलों को स्थानांतरित करने हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ISMTP, सिंपल मेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट हमारा है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, इसके लिए आप अपने कंप्यूटर किसी सर्वर से जोड़ना होता है या जोड़ते हो। फिर से नेक्स्ट है बैंड विथ, ये क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में साधारण भाषा में इसको हम डेटा ट्रांसफर कहते हैं। तो बैंड विथ के माध्यम से हम क्या कहते हैं, डेटा का ट्रांसफर करते हैं जो भी डेटा हमारे पास होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है इंटरनेट कनेक्टिविटी के विकल्प। अब देखो इंटरनेट कनेक्टिविटी हम कैसे कर सकते हैं, देखो पहला है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन, इसमें कंप्यूटर से जोड़ने के लिए फोन लाइन की आवश्यकता होती है, तो इसमें फोन लाइन के हम यूज करते हैं, ये जो होता है डायल अप कनेक्शन में। नेक्स्ट हमारा केबल टीवी कनेक्शन, आपके यहाँ भी होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड से अभिप्राय एक कनेक्शन है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कोई पिक्चर या कोई ध्वनि या डेटा भेजना होता है, इससे हम भेज पाते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए मुख्यतः निम्नलिखित यंत्रों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सा चलो जानते हैं। पहला मॉडेम यूज करते हैं, हब यूज करते हैं, ब्रिज यूज करते हैं, राउटर यूज करते हैं, गेटवे यूज करते हैं, सारे ब्रॉडबैंड के जो है मुख्य जो है कनेक्शन के लिए आवश्यक पार्ट, अगर ये नहीं रहेंगे तो ब्रॉडबैंड आपके कार्य नहीं करेगा। फिर से नेक्स्ट आता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये क्या होता है, चलो इसे जानते हैं। पोस्ट प्लान वोड टेलीफोन सर्विस पर आधारित होता है ये। सेंट्रलाइज कनेक्शन क्या होता है, इसके संकेत से सीधे हम उपग्रह के माध्यम से अपने यहाँ इंटरनेट पा पाते हैं और साथ ही टेलीविजन पर चैनल एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है 30 फुट की दूरी तक हमको सुविधा प्रदान करता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। वाईफाई का पूरा फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, ये याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर इंग्लिश भी देख लीजिए फिडेलिटी। आविष्कार जो किया था जॉन ओ सुलिवन ने किया था ये, और इसके साथ ही जॉन डिन ने 1991 में वाईफाई का आविष्कार किया था। ये डब्ल्यू लैन यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसका जो शॉर्ट है नाम जो दे देता है और यहाँ फुल फॉर्म पूछ देता है। अब चलो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, इसके बारे में जानते हैं, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं WWW, अक्सर आपने टाइप किया होगा। ये वेब पेज इसे कहा जा सकता है, जब भी हम कोई क्रोम या कोई गूगल खोलते हैं तो वहाँ पर देखो टाइप करते हो, जब भी साइट का www. कुछ आगे जाके आपका लिखा होता है, ये जो है वेब पेज होता है HTML, इसमें लिखा जाता है जो है। अब HTML का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेबसाइट जो होता है जो वेब पेज और अन्य जानकारी, जैसे कि आप देखो चित्र ध्वनि वीडियो और फाइल को लोड करना है तो आपको वेबसाइट पर जाना पड़ता है। अब देखो जो भी URL होता है, ये URL जो है शुरुआत होता है आपका HTTPS। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वेब ब्राउजर, ये क्या, चलो इसे जानते हैं। देखो यहाँ पर हो गया माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप आप नेविगेटर हो गया, गूगल क्रोम जैसे कि मैं आपको बोला हूँ, मोजिला फायरफॉक्स ओपेरा मेनी ग्राफिक ब्राउजर है जिनका हम यूज करके हम किसी भी वेबसाइट पर पहुंच पाते हैं। अब देखो यहाँ पर लिनक्स टेक्स्ट आता है, ये बेस्ट ब्राउजर है, याद रखिएगा ये बेस्ट ब्राउजर है। उदाहरण के लिए एक और यहाँ पर दिया हुआ सी मंकी, फ्लॉक और के मेलोन जो है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर के उदाहरण है। भारत में पहली बार जो ब्राउजर बना था इपिक के नाम से जाना जाता है, जो मोजिला के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, ये 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, आपको ध्यान देना, कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो मैं इतना तेज इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय कम है और इसमें समझाने कुछ है नहीं, क्योंकि मैं इसे पढ़ पढ़ के लिखा हूँ, अगर इसे आप पढ़ ले तो ध्यान से तब भी आपका यहाँ पर काम बन जाएगा, जितने क्वेश्चन आते हैं लड़ जाएंगे लगभग। अब देखो पोर्टल जो होते हैं, पोर्टल का मुख्य कार्य यूजर को उसकी रुचि अनुसार कुछ वेबसाइट की सूची प्रदान करना होता है। पोर्टल के प्रकार क्या होते हैं, चलो इसको जान लेते हैं हम। वेब सर्चिंग पोर्टल होता है, वेब पर जाकर आप कोई चीज सर्च करते हो। फिर से ई कॉमर्स पोर्टल पर, तो देखो आप ई कॉमर्स पोर्टल पर जब जाते हो देखोगे बहुत, एक चीज सर्च करोगे बहुत सारे सामान आ जाते हैं, तो ये हो गया आपको आपकी मतलब रुचि किस में है, जो टाइप करोगे उसी के अनुसार से आपको चीजें वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। ई लर्निंग पोर्टल हो गया, पढ़ाई के लिए कोई चीज सर्च कर रहे हो तो यहाँ पर कोई मन से सर्च किया, मान लो कुछ लिखे बुक, कुछ बुक का नाम लिखे पता चलेगा 10 बुक आ जाएगा उससे रिलेट करके। गवर्नमेंट पोर्टल हो गया, कोई जानकारी चाहिए एक चीज सर्च किया 10 चीज रिलेट करके आएगा, तो पोर्टल इसीलिए बनाए जाते हैं
ताकि आपको बहुत सारी वहाँ पर सुविधा आपके मन मुताबिक मिल सके। अब देखो पोर्टल बनाने समय हमको यहाँ पर डोमेन एक नाम होता है, मान लो हमको कैसे पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट है, फिर से कैसे पता चलेगा कि हमको ये कॉमर्स साइट है या ये एक स्टडी साइट है, तो इसीलिए हम उसका एक लास्ट में डोमेन मतलब उसका एक नाम लिखते हैं। अब डोमेन क्या है, एक सर्वर है जहाँ पर हम पहुँचते हैं, वो आईपी एड्रेस में परिवर्तित होता है, कंट्रोल करता है डोमेन को, ये इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स आते हैं जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ICANN, ये याद रखिएगा, ये एक अमेरिकी संस्था है जो दुनिया भर के डोमेन का प्रबंधन करता है, ये आपको ध्यान देना है। भारत में डोमेन का पंजीकरण के लिए दो कंपनियां हैं, GoDaddy.com और यहाँ पर BigRock.in, ये आपको ध्यान देना भारत की। अब देखो डोमेन क्यों बोल रहा था, यहाँ फिगर में ध्यान से देखोगे डोमेन नेम देखो देखो यहाँ पर है, अब देखो यहाँ पर डॉट कॉम मतलब यहाँ पर व्यापारिक हो गया, EDU मतलब शैक्षणिक हो गया, देखो कोई एजुकेशन जब लिखते हो तो पूरा लिखोगे यहाँ तो ऐसे लिखोगे, लेकिन जब हमको मान लो एजुकेशन मतलब पढ़ाई साइट पर जाना है तो लास्ट में हम क्या करें, कोई भी चीज़ लिखे मान लो कोई बुक लिखे और लास्ट में देखोगे ना उसमें डॉट करके EDU करा रहेगा, इसका मतलब वो जो साइट है शैक्षणिक साइट है। फिर से यहाँ पर GOV मतलब लास्ट में अगर गवर्नमेंट का पूरा स्पेलिंग लिखोगे तो शॉर्ट में ये देखोगे GOV शुरू में ही होता है, तो GOV मतलब सरकारी वो जो भी है साइट होगी। फिर से यहाँ पर लिखा होगा MIL, यहाँ पर सैन्य है मिलिट्री से, फिर से NET मतलब ये नेटवर्किंग साइट है, फिर से यहाँ CEO मतलब ये कंपनी की कोई साइट है, ORG मतलब अगर जिस इथी पर URL पर ORG लिखा होता है वहाँ पर जान देना संगठन साइट है। तो ये एक डोमेन नेम है जो कि एक देखोगे एक तरह से एक आईपी एड्रेस में परिवर्तित रहते हैं और जब हम सर्च करते हैं तो वहाँ पर ये लिख के आते हैं। नेक्स्ट आता है ईमेल की संरचना, ये देखो ईमेल के बारे में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ, पूछता है CC क्या मतलब यहाँ पर पूछ देता है, BCC क्या मतलब पूछ देता है, तो ये आपको याद रखना है BCC क्या फुल फॉर्म CC क्या फुल फॉर्म। तो चलो पहले ईमेल के बारे में जानते हैं, ईमेल एड्रेस क्या है, तो आपने देखा होगा जब भी ईमेल बनाते हो तो एक आपको अनूठा नाम चुनना पड़ता है, या नाम इसीलिए चुना जाता है क्योंकि आप ये नाम किसी को बता पाओगे तभी आपको कोई ईमेल भेज पाएगा, क्यों, क्योंकि ईमेल एक तरह से आपका पता होता है जिस पर आपको मैसेज किया जाता है, वो आपका एक तरह से डिजिटल नाम है जिस पर आपको डिजिटली मैसेज आएगा। अब देखो ईमेल हेडर क्या होता है इसको जानते हैं, ईमेल हेडर जो होता है इसमें जब हम ईमेल में संदेश की पहली 5 या 6 पंक्तियां लिख देते हैं इसी को हम क्या कहते हैं ईमेल हेडर, मान लो हम ईमेल लिख रहे हैं 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जब लिख दे इसी को हम क्या करेंगे ओवरऑल ईमेल हेडर कहते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, पूछता है एग्जाम में ईमेल हेडर किसे कहते हैं, तो इसे दिया होता है कि 5 पंक्तियां लिख दी हैं तो क्या ईमेल हेडर, हाँ ये ईमेल हेडर है। इसके बाद से इसमें कुछ फील्ड होते हैं, फील्ड का मतलब हम मेल कैसे भेज रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। पहला इसमें देखो फ्रॉम मतलब जो हम भेज रहे हैं, प्रेषक का पता मतलब नाम होता है, मान लो नाम बताऊं RR3 लिख दिया @gmail.com, ये हो गया। फिर से इसके बाद से डेट मेंशन होता है नीचे जस्ट उसके नीचे जस्ट है हम टू मतलब संदेश प्राप्त करता है जिसका है उसका नाम होगा, तो उसका नाम मान लो कुछ हो गया MM3 यहाँ पर @gmail.com मान लो यहाँ पर हमने क्या किया लिख दिया। अब ये जो हमने लिखा है ये उसका पता है जहाँ हम भेजना चाहते हैं, तो ये 3 पॉइंट हो गए हैं इसे आपको ध्यान में रखना है। फिर से आता है सब्जेक्ट मतलब विषय क्या है, एक देखोगे ऐसे लाइन होता है वहाँ पर और खाली रहता है ऐसे ही, तो यहाँ पर हमको लिखना होता है कि मान लो सब्जेक्ट क्या है, कि मान लो हमको कोई ऐसी समस्या है तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमारा फीस जो है पेमेंट जो है फंसा हुआ है, पेमेंट पेंडिंग लिख देंगे यहाँ पर, जो भी है आप लिखते हो पेमेंट पेंडिंग लिख देते हो। अब ये चीज़ आप जब लिख देते हो तो इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब ये सब्जेक्ट आपको जो है लिखने के बाद से जो प्राप्त करता है इस मेल को वो पहले ही जान देता है कि ये जो मैसेज किया है बंदा इसने बोला है कि फीस पेंडिंग है और इसके बारे में ही नीचे लिखा गया होगा, तो ओवरऑल जो है सब्जेक्ट जो होता है ओवरऑल पूरे मैसेज को एक छोटे से रूप में बयां करता है। अब यहाँ पर CC जो है इसका फुल फॉर्म जान लो, इसका कार्बन कॉपी होता है, इसका मतलब क्या होता है कि प्राप्तकर्ता जो होता है इसमें वो जिनको भी हम जानकारी देना चाहते हैं लेकिन वो लक्षित प्राप्तकर्ता नहीं है, मतलब हम इसको लक्ष्य नहीं बनाएंगे लेकिन हम क्या करें जिसको हम मेन इसको भेज रहे हैं मैसेज
इसको भेज रहे हैं और फिर से हम क्या करें कि और मेल इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने तो लक्ष्य बना के इसको भेजा था, बस हम चाहते हैं कि जो मेल इसको प्राप्त हो रहा वो मेल इसको भी प्राप्त हो, तो इसको जो प्राप्त होगा वो कार्बन कॉपी होगा। तो ये लक्षित नहीं होता है और इसको ये मेल प्राप्त हो जाता है, इसी को कहते हैं सीसी, जो है कार्बन कॉपी। मतलब जिसको हमने मेन को मैसेज भेजा, जो मेन बंदा है, हम चाहते हैं निचला वाला बंदा का भी जो मेल है उसको पता चले, तो एक सीसी में एक मेल लिखेंगे और उसके मेल पर भी जो हमने इसको भेजा वही इसके पास भी जाएगा। इसके बाद है बीसीसी, ब्लैक कार्बन कॉपी जो होता है, ये वो लोग जो संदेश प्राप्त कर पाते हैं लेकिन इसकी जानकारी संदेश प्रेषक दूसरे को नहीं देना चाहता। अब ये वाली जो जानकारी है सीसी वाली जानकारी इसको मिल जाएगा, इसको प्राप्त हो जाएगा कि इसमें देखिएगा अपना मेल खोल गया, अगर किसी और को मैसेज आपका फॉरवर्ड किया गया होगा आपके साथ ही, तो आपको चुन के भेजा गया है संदेश। जो मैंने मान लो एम को मैंने मैसेज भेजा, जो भी है 3@gmail.com को मैंने क्या किया मैसेज भेजा, ये मेन बंदा है, इसने इसको मैसेज भेजा, अब ये मेन बंदा जो है प्राप्त किया। इसके साथ अगर मैं सी एक और मेल, मतलब मान लो यहाँ पर T34 कुछ भी लिख दूँ @gmail.com को मैंने एक बंदा को और मेल भेजा, ये सी सी मेल है। अब ये जान जाएगा यहाँ पर, ये बंदा जो ये मेन बंदा है ये जान जाएगा, जो मैसेज जिसको हमने भेजा है पर्सनली, ये जान जाएगा कि यह मैसेज जो है हमको भी मिला है और इसको भी मिला है, क्योंकि ये कार्बन कॉपी है, उसके मेल के नीचे लिखा रहेगा और इसका भी यहाँ पर नाम लिखा रहेगा, तो इन दोनों को जान जाएगा। लेकिन अगर हम सीसी में लगाते हैं तो इस बंदे को नहीं पता चलेगा कि ये बंदा जो है इसको भी ऐड किया हुआ है, मतलब बीसीसी को भी ऐड किया हुआ है। मान लो यहाँ पर हम बीसीसी कोई नाम लिख दें मेल में, मेल नाम लिखे यहाँ पर मान लो s32@gmail.com, अगर हम यहाँ लिख देते हैं, अब ये अगर हम लिखते हैं नाम और ये नाम हमारा जो है बीसीसी है, तो मान लो हमने इसको मैसेज भेजा और इसको भी ऐड किया, तो इस बंदे का जो नाम है, इसका जो नाम है, इस बंदे को नहीं पता चलेगा, जो मेल प्राप्त करता है इसको नहीं पता चलेगा कि हमने जो है मेल जो है इसको भी भेज रखा है। तो ये होता है आपका बीसीसी, मतलब अगले वाले को हम पता ही नहीं देना चाहते हैं क्योंकि दूसरे को भी ऐड करके हमने मैसेज को भेजा। साथ ही इसमें ग्रीटिंग होता है, इसमें टेक्स्ट पत्र संदेश लिखते हैं हम, और लास्ट में इसमें सिग्नेचर हस्ताक्षर एवं ईमेल संदेश अंतिम भाग होता है, जिसमें प्रेषक का नाम होता है, जो प्रेषक भेजने वाला है उसका नाम होता है, फिर से भौतिक पता एवं संपर्क नंबर भी हम दे सकते हैं। तो ये टोटल हो गया। देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये बीसीसी और सीसी, ये पूछा जाता है। अब ईमेल का जो है लाभ जान लेते हैं क्या है। ये विश्वसनीय होता है, सुरक्षित होता है, इसमें संदेश उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिस तक हम पहुँचाना चाहते हैं। दूसरा सुविधाजनक होता है, इसमें स्टेशनरी स्टैम्प्स की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब हमको क्या है इसमें कुछ नहीं करना, कोई स्टैंप नहीं लगवाना है, सीधे भेज देना है। तीसरा यहाँ पर गति, गति बहुत तेज होती है इसकी, हम एक क्लिक से ही वहाँ पर पहुँचा देते हैं जहाँ भेजना है। और चौथा यह सस्ता होता है, सिर्फ नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता होती है, मतलब एक बार रिचार्ज कराए अपने मोबाइल में नेटवर्क आया और आप भेज दोगे बहुत सारे मेल। और यहाँ पर देखो पांचवा छापने योग्य संदेश का प्रिंट भी हम करा लेते हैं। और छठा इसका है जो है व्यापकता, इससे विश्व के किसी भी भाग में बैठे व्यक्ति को हम कुछ सेकंड में क्या कर सकते हैं अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। देखो हमने ईमेल के बारे में जान लिया, ईमेल हैकिंग क्या होता है इसको जान लेते हैं। ये जो है ईमेल स्पैमिंग पहला इसमें आता है, जब कोई वाणिज्य कंपनी बार बार अपने उत्पादों का अपने विज्ञापन का बार बार आपको क्या करे ईमेल करे और खाताधारियों को मेल भेजता है, जो भी खाताधारी होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं ईमेल स्पैमिंग कहते हैं। ये भी एक हैकिंग का ही जरिया है जिसके द्वारा आपके मोबाइल या लैपटॉप को हैक किया जा सकता है, इसे जंक मेल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। दूसरा इसमें आता है ईमेल हैकिंग में वायरस, ये किसी ईमेल फाइल या दुर्भावनापूर्ण जो है स्क्रिप्ट होता है, जब ऐसी फाइल को हम अपने कंप्यूटर पर चलाते हैं तो महत्वपूर्ण डेटा जो होता है नष्ट होने का अंदेशा होता है। तो याद रखिएगा वायरस भी जो होता है आपके डाटा को क्या कर सकता है क्रैश कर सकता है, तो इसके भी द्वारा आपके लैपटॉप हैक हो सकता है। तीसरा फिशिंग, फिशिंग से बहुत सारे क्वेश्चन इंटरनेट के एग्जाम में पूछे गए यूजीसी नेट के। तो ईमेल भेजने की एक गतिविधि है, इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता का नाम पासवर्ड क्रेडिट कार्ड का विवरण आदि के रूप में संवेदनशील जानकारी चोरी करना होता है। इस मेल में ऐसे लिंक होते हैं जैसे लगता है कि ईमेल उपयोगकर्ता को एक वेबसाइट पर ले जाता है, ये वेबसाइट एकदम वास्तविक लगता है
और वहाँ क्लिक करते ही आपके पूरा जो है फ़ोन हैक हो जाते हैं, आपका जो पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड, नाम पूरा आपका हैक हो जाएगा, आपके पूरे खाते से पैसे इसके द्वारा निकाले जा सकते हैं। तो ये देखिए फिशिंग का कुछ आपके जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर है, इसकी विशेषता ये आपको याद रखना है। चौथा आता है स्पेल लैग। स्पेल लैग क्या होता है, चलो इसे जानते हैं। किसी को तब तक स्पैमिंग करते रहना जब तक उसके कंप्यूटर में बहुत गड़बड़ ना होना शुरू हो जाए और क्रैश ना हो जाए, इसी को स्पेल लैग कहते हैं। सर्च इंजन चलो जानते हैं, गूगल, याहू, अल्टा विस्टा, लाइकोस, हार्टबोट, ये क्या है, ये सर्च इंजन के उदाहरण, इसके द्वारा हम कोई चीज़ सर्च करते हैं। अब मेटा सर्च क्या है, मेटा सर्च एक ऐसा उपकरण है अपने स्वयं के परिणामों दर्शाने के लिए दूसरे सर्च इंजन के डेटा का उपयोग करता है, ये मेटा सर्च कहलाता है। इसमें हम मेटा कॉलर, हार्टबोट और डार्क फाइल का जो है यूज करते हैं, ये मेटा सर्च इंजन के उदाहरण है, याद रखिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण सोशल नेटवर्किंग साइट है, मतलब अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो किस और तरीके से पढ़ सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, माइक्रो ब्लॉगिंग, छोटे छोटे यहाँ पर ब्लॉग लिख, आरकूट के माध्यम से, यहाँ पर योग, गणित, भौतिक, दर्शन आदि विषयों को पढ़ाया जाता था। फिर से यहाँ पर पांचवा है वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स, ये क्या होता है, इसमें ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी। फिर से यहाँ पर छठवां है यूट्यूब, यूट्यूब के माध्यम से आजकल तो बहुत ये फेमस हो गया। फिर से सातवां है पॉडकास्ट, इस इंटरनेट पर अन्य संसाधनों जैसे वेबसाइटों और ब्लॉगों के द्वारा पढ़ा जा सकता था। आठवां फ्लिकर, फ्लिकर विद्यार्थियों पर डेस्कटॉप एवं कैमरा पिक्चर अपलोड किए जा सकते थे। नौवां है विकिपीडिया, बहुत बड़े पैमाने पर यूज होता है। विकिपीडिया की जो शुरुआत की थी जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने किया था, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया, 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। दसवां है ब्लॉग, ब्लॉग के माध्यम से आजकल तो ब्लॉग बहुत बन रहा है, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई कर सकते हैं। तो आईसीटी के कुछ है ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपने पढ़ाई के आनंद ले सकते हैं सही यूज करके। अब देखो नेक्स्ट और लास्ट आता है द्रव्य, श्रव्य और साधन। अभी देखो ये द्रव्य, श्रव्य, यंत्र, साधन जो है ये क्या है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, इसे स्काइप के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। फिर से यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में स्काइप का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकती है। ये सब लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए यूज करने वाला एक तरीका है। अब इसमें देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है, पहला हार्डवेयर आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, सॉफ्टवेयर आधारित होता है, हाइब्रिड वन जो होता है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। कल हमारा लास्ट टॉपिक आईसीटी का, और हम उसमें उस शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी कहते हैं दिल से धन्यवाद, जय हिंद।